हाँ तो मेहरबानों, आप सुनेंगे चंदा कैसेट के माध्यम से महाभारत। जी हाँ, महाभारत पुत्रों की आग भाग नंबर 2, जिसके गायक कलाकार सतपाल दोसा व करतार दोसा और संगीतकार वही तुम्हारे जाने पहचाने बस्तीराम तूफान व साथी और पेटी पर हंसराज मास्टर हंसराज। तो उस समय की बात है दोस्तों, जब पांडवों के बच्चों के सिरों को देखता है दुर्योधन तो पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में बहने लगते हैं और कहता है कि तेने ये क्या कर दिया, जो कुछ रहा सहा भी था सब कुछ खत्म कर दिया। ये तो पांडवों के शीश नहीं, पांडवों के राजकुमारों के शीश। दोस्तों, अश्वत्थामा भी पछताने लगता है और सब कुछ बात को खत्म करके ये कहने लगे कि दुनिया में होनहार बलवान है। तो दोस्तों, इस बात के द्वारा अश्वत्थामा क्या कहने लगा और घायल दुर्योधन मरते समय क्या कहने लगा, दिलचस्पी बात होगी। क्या लिख दिया कवि ने, इसमें दोष नहीं तेरा।
तरफ से अस्वस्थ मां मेरा दिल धड़के है, तेरी तरफ से अस्वस्थ मां मेरा दिल धड़के है। मैं कह नहीं सकता मेरे लिए जन होना क्या तड़के है, तेरी तरफ से अस्वस्थ गम का तार है।
को मूर्ख देखकर वे अपने भाई और बेटों के सिरों को न पाकर द्रौपदी चिता बनाकर सती होने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं तो सती होऊंगी। इतने ही में पांडव वे कृष्ण साथ में आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ, तो सब कुछ बताते हैं वहां कि ये काम द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। तो द्रौपदी पांडवों से कहने लगी कि मैं अगर अश्वत्थामा को नहीं मारोगे तो जिंदा नहीं रहूंगी, जल के मरूंगी। तो मेरे मेहमानों, द्रौपदी क्या कह रही है इस बात के द्वारा पांडवों से अश्वत्थामा को मारने के लिए? भाई बेटों का भाई और बेटों का कैसे सबर करूंगी, अश्वत्थामा मारो ना मैं जल के मरूंगी। भाई बेटों का, भाई बेटों का, भाई बेटों का कैसे आज सबर करूंगी, अश्वत्थामा मारो लहू से सिर की मांग भरूंगी, अश्वत्थामा मारो ना मैं जल के मरूंगी। अरे अश्वत्थामा मारो ना मैं जल के मरूंगी। कृष्ण जी के
कृष्ण जी के सामने ना मैं कहती डरूंगी, अस्तुथमा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी, अस्तुथमा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी। पांडो ध्यान गया कहाँ थारा, गुरु पुत्र नवो दुश्मन मारा, पांडो ध्यान गया कहाँ थारा, के भी ओ मर के भी ना छोड़ू मैं उसके प्राण हरूंगी, अस्तुथमा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी, अस्तुथमा मारो ना मैं जड़ के खत्म राज बले पाप कपाड़ा, लडन सिंह ओ लिखने वाला, खत्म राज बले पाप कपाड़ा, महाभारत की ओ महाभारत की कथा पार मैं सुन के तरूंगी, अस्तुथमा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी। भाई बेटों का कहने लगी कि अश्वत्थामा को मारो वरना मैं जिंदी नहीं रहूंगी, तो मेहरबान हो अश्वत्थामा को खोजने के लिए अर्जुन भीम और कृष्ण चल देते हैं अश्वत्थामा की खोज में। उधर अश्वत्थामा दुर्योधन तो अपने प्राण त्याग देते हैं, अश्वत्थामा वहां से कृतवर्मा और कृपाचार्य को छोड़कर छुपने के लिए कहां पहुंचते हैं,
ऋषि वेद व्यास के आश्रम में जाकर छुप जाता है और ऋषियों में जाकर बैठ जाता है सड़ मार कर। कृष्ण जी, अर्जुन और भीम उसकी खोज में पहुंच जाते हैं और देख लेते हैं कि बैठा है, तो कहने लगे कि दुष्ट, तने क्या अत्याचार किया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और आवाज देते हैं कि ऋषियों के आश्रम को छोड़कर बाहर आ जा। तो मेरे दोस्तों, अश्वत्थामा को क्रोध आया और ऋषियों में से उठकर आश्रम से बाहर हो जाता है और सीख के द्वारा ब्रह्म शास्त्र को चला देता है। तो दूसरी तरफ से अर्जुन को भी उस अस्त्र का ज्ञान था, ब्रह्मास्त्र का। दोनों तरफ से अस्त्र चलते हैं और किस तरह, बाकी हवाला इस बात के बाद। छोड़ आश्रम ऋषियों का, तू आ जा बाहर लिखड़ के। छोड़ आश्रम ऋषियों का, तू आ जा बाहर लिखड़ के।
भिखारी का तू मरने से डर मान्या हो के बेटा द्रोणाचारी का वीरों का छिपना ठीक नहीं हो काम हो से नारी का फिर अश्वत थमा खड़ा हुआ ना जोश थमा धनुधारी फिर ब्रह्मस्त्र दिया छोड़ वीर ने तुझे दिखाऊं लड़के छोड़ आश्रम ऋषियों का तू आजा बाहर निकड़ के हाल गए जचे महावीर लेके ढंग हो गए मारे सृष्टि हो पे माल बचे ना देख देख ऋषि दंग हो गए खड़े नारद जी और वेद व्यास के और ऋषि भी संग हो गए मात्र लेके ढंग हो गए सृष्टि हो पैमाल बचेना देख देख ऋषि दंग हो गए खड़े नारद और श्री वेद व्यास के और ऋषि भी संग हो गए मेहरबानो महाप्रलय के ढंग हो जाते हैं क्यों के ब्रह्मशस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया और उसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया ऋषि खड़े हो जाते हैं महाप्रलय के ढंग हो गए तो क्या हुआ ऋषियों के कहने से अर्जुन ने हाँ तो मेहरबान ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने छोड़ा जब हृदय में तंग हो गए धरती अंबर हाल गए जैसे महाप्रलय के ढंग हो गए ऋषि हो गए देख देख ऋषि दम हो गए खड़े नारद और ऋषि भी सम हो गए खड़े हो जाते हैं ऋषि मुनि के प्रलय होगी क्यों उधर अर्जुन ने भी उसको सीख लिया था दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो ऋषि मुनि घबरा कर अर्जुन से कहने लगे कि महाराज ऐसा उचित नहीं है सृष्टि नहीं रहेगी तो अर्जुन अपने अस्त्र को वापस कर लेता है लेकिन अश्वत्थामा उस अस्त्र को वापस नहीं करता तो वो अस्त्र पुत्रा के गर्भ पर पड़ता है मेहरमानों उसके पेट में जो बच्चा था उसका भूत बन गया उधर
किस तरह बाण मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा की सर की मणि माथे से निकालकर किस तरह क्या लिखा वाला आगे बाकी हवाला इस रागनी के द्वारा से नहीं मणि
काढ़े अर्जुन ने, और जो पैरों में चुभे काट वो सही झाड़े अर्जुन ने, बाण मार के मस्तक से लई मणि काढ़े अर्जुन ने, बाण मार के मस्तक से लई मणि काढ़े अर्जुन ने। मेहरबानो, जब मणि काट लेते हैं अर्जुन बाण मारकर और कहते हैं कि इसे मार दो, तो कृष्ण जी कहने लगे कि गुरु पुत्र है, पाप हो जाएगा, इसको छोड़ दो और मणि कर लेकर द्रौपदी के पास चलो। तो द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी को मणि देकर कि ये लो, हम अश्वत्थामा की मणि ले आए हैं, आपको विश्वास हो गया। तो वहां से पांचों हस्तिनापुर के लिए चलते हैं। रास्ते में चलते चलते देखते हैं धर्म युधिष्ठिर की चारों तरफ लहास ही लहास थी। देखकर दिल कांप जाता है धर्म युधिष्ठिर का कि ये सब अपने हैं और आज क्या हाल हुआ है, समय क्या से क्या करवा देती है। तो मन ही मन धर्म युधिष्ठिर क्या कह रहा है और अर्जुन से किस तरह क्या लिखा कवि ने भला इस बात के बारे में। अरे धर्म युधिष्ठिर कांप गया, पर के छाती आई, अरे धरती ऊपर लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई, हाँ चारों तरफ दिखाई, धर्म युधिष्ठिर कांप गया मोर, पर के छाती आई, लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई, दे चारों तरफ दिखाई। और पागल वाला समझदार बेचारे उसका गिला कर बैठा, और बेमतलब की बात बात में सुभान सिला कर बैठा, मैं अपने हाथों अपने घर का रे ऊट मटीला कर बैठा, और कहीं साड़ों की लाश कहीं बलक, कहीं साड़ों की लाश कहीं पे पड़े तड़पते भाई, धरती ऊपर लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई, दे चारों तरफ दिखाई।
और किस रोने की। कृष्ण जी कहने लगे कि किस क्या बात है जो रो रहे हो धर्म भीतर, तो क्या कह रहा बोला? भला इस रोने की बात साफ, इस रोने की बात साफ, कृष्ण जी तुम्हें बताऊंगा मैं थोड़े दिन के बाद, देखियो जीऊ ना मर जाऊंगा। मुझे के बेरा था अपने हाथों मैं अपना कुटुंब खपाऊंगा, हस्तनापुर को कृष्ण जी अब मुंह में कैसे दिखाऊंगा। मुझ पापी ने कुल को मेट ली, मुझ पापी ने कुल को मेट ली, लगा कलंक की स्याही धरती ऊपर लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई। नारी कहर करें ओ, विधवा नारी कहर करें यू, फिकर रात दिन खावेगा, बालक बहुत अनाथ हुए मुझे उनका प्रेम सतावेगा, और बेटों की आग में ताई और ताऊ का दिल डकरावेगा। हे कृष्ण जी महलों में यू दुख ना देखा जावेगा, यू अंबर टूट नहीं पड़ता, यू अंबर टूट नहीं पड़ता, ना यू फटती धरती माई, लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई। टलने की बात धर्म का ओ, ना टलने की बात धर्म का, पड़े भोगना भोग मुझे मेरे भाइयों को खुशी घनी, परे हद से ज्यादा शोक मुझे, लड्डन सिंह भी समझे पागल कहे बहुत से लोग मुझे, बालकपन में लगा राज बल यू गाने का रोग मुझे, अरे क्या करूं मर्ज की घूम लिया कहीं मिलती नहीं दवाई, धरती ऊपर लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई, दे चारों तरफ दिखाई। धर्म युधिष्ठर कांप गया, धर्म युधिष्ठर कांप गया, और बर के छाती आई, धरती ऊपर लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई, दे चारों तरफ दिखाई।
हाँ तो मेहरबान हो, ना टलने की बात कर्म का पड़े भोगना भोग मुझे। मेरे भाइयों को खुशी घनी पर हद से ज्यादा शोक मुझे। लड्डन सिंह भी समझे पागल कहें बहुत से लोग मुझे। बालकपन में लगा राजबल युगाने का रोग मुझे। क्या करूं मर्द की घूम लिया कहीं मिली दवाई। तो दोस्तों कृष्ण जी धर्म युधिष्ठिर को समझाते हैं कि होनी बलवान है आगे चलो। तो वे सारे हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों धृतराष्ट्र पांडवों को आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं। तो वे सारे गंधारी का आशीर्वाद लेकर बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। मेहरबानो धृतराष्ट्र अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर चारों को आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन क्रोध की ज्वाला धृतराष्ट्र के मन में थी जो भीम के प्रति थी कि भीम को आशीर्वाद दूंगा। तो उसे व्यक्त कर देते हैं कि भीम को मेरे पास लाओ, मैं भीम को आशीर्वाद देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों कृष्ण जी कहते हैं समझ गए बात को और एक अष्ट धातु की जो बनी हुई मूर्ति थी जिस पर रोज दुर्योधन अभ्यास करता था गदा से, उसको लेकर धृतराष्ट्र के गोद में पेश कर देते हैं। तो मेहरबानो पुतले को पाकर धृतराष्ट्र अपने क्रोध को शांत करने के लिए गोद में लेकर छाती से लगाकर और इस तरह प्रहार करते हैं कि वो अष्टधातु की बनी हुई मूर्ति चकनाचूर हो जाती है। तो क्या होता है बाकी हवाला इस बात के द्वारा। अरबिन आई मैं कर गया मृत्यु, बिन आई मैं मृत्यु कर गया। यू नाग बेटों की छाती से दिया तोड़ भीम उठी आग बेटों की, आग बेटों की। बल बिन आई मैं मृत्यु कर गया, यू नाग बेटों की छाती से दिया तोड़ भीम उठी आग बेटों की, आग बेटों की। बोला एक दिन की यो बात नहीं, मैं तो जिंदगी भर तक दुख खेऊं। दुश्मन फंस गया फंदे में अब बेटों का बदला लेऊं। मैं ममता कैसे रे 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 रे, मैं ममता कैसे मन से देऊं। त्याग बेटों की छाती से दिया तोड़ भीम उठी आग बेटों की, आग बेटों।
अपना रात तू मन ही मन में सोचे बड़ी मुश्किल से लगा हाथ बिना होड़ी के खेला साथ तू बिना होड़ी के खेला साथ तू भाग बेटों की छाती से दिया तोड़ भीम उठी आग बेटों की आग बेटों की खत्म नहीं हुआ कह रहे हैं कृष्ण जी कि संशय के संसार में कोई नहीं बचा अकबर शाह सिकंदर जैसे भी यहां से खाली हाथ चले गए और क्या लिख दिया भला भजन अरे सन से संसार भरे मैं सन से संसार भरे मैं कर कर करामात चले गए भाई बड़े बड़े तपधारी तप करके उत्पात चले गए सन से संसार भरे मैं सन से संसार भरे मैं कर कर करामात वशिष्ठ सन खास वाल्मीकि सुखदेव मुनि
मौत का भी है इतिहास, जी आ गया फिर मरे मैं, जी आ गया फिर मरे मैं। गुरु गोरखनाथ चले गए पैर तीर्थागढ़ में, नरसी बनिया भर के बात चले गए, सन से संसार भरे मैं। बबरा भान जगदेव कुंवर ने भी कर दिया सर अपने का दान, मोर धज कृष्टी भामा दशरथ ने भी दिए प्राण, शिव दधीची हरिश्चंद्र राजा सतवादी और सत्यवान, बल राजा दान करे मैं, बल राजा दान करे मैं। सारे एक साथ चले गए भाई कपिल मुनि के लात मार, योद्धा बिन बात चले गए, सन से संसार भरे मैं। इससे पीछे रजपूती के सर का हो गया ताज वीरान, आपस के में फूट पड़गी जयचंद हो गया बेईमान, इस्लामी की कमजोरी से आन बसे क्रसटान, क्यों रघुनाथ बावड़ा हो रहा छोड़ दे दुनिया के ध्यान, फड़सू के बाग हरे में, फड़सू के बाग हरे में। यूसुफ हजरात चले गए भाई अकबर शाह सिकंदर जैसे भी खाली हाथ चले गए, सन से संसार भरे मैं, सन से संसार भरे मैं। कर 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 मात चले गए और बड़े बड़े तपदारी तप कर के उत्पात चले गए, सन से संसार भरे मैं। ये किस्सा पेश किया गया चंदा कैसेट, इसके गायक सतपाल दोसा वे करतार दोसा। तो ये किस्सा था पुत्रों की आग महाभारत, ये आप प्राप्त करेंगे चंदा कैसेट कॉर्नर त्रिलोकपुरी दिल्ली। धन्यवाद।